మత్స్యదారుల సంఘానికి आज सभी कल्याण कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की यूनियन की तरफ से और हमारे राज्य अध्यक्ष सम्मान्य श्री सी रमेश अन्ना जी और पूरे पदाधिकारीगण और जेस्कॉम प्रतिनिधि अनिल ऐनापुर साहब के नेतृत्व में हम एक प्रतिभटन करने जा रहे हैं। हमारा मांग यही है कि जेस्कॉम एमडी से जो पिछले 3 साल से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागने वाला एमडी, हम उसको जब भी पूछ रहे हैं, सर हमें वक्त दीजिए, आपका टाइम चाहिए, हमें बात करना है, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज को आप सॉल्व करने के लिए वक्त दीजिए, हमारी जो भी मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए आप अपना वक्त देने के लिए, वो एमडी हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के भाग जाता है, हर बार अपना टाइम को छोड़ते हुए हर बार यही बोलता है कि जो मेरे को मीटिंग है मैं नहीं मिल सकता, आप जो भी है टेक्निकल डायरेक्टर से बात करिए। जब टेक्निकल डायरेक्टर से हम डिस्कस करने के लिए जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एमडी से आप बात करिए, एमडी जो है सॉल्व कर देंगे। एमडी ना ही हमारा टाइम ले रहे हैं, ना ही हमें बात करने के लिए मौका दे रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी है, जैसे कि 1-5 लाख टेंडर करके मर्ज करके दे रहा है सबको, बड़े टेंडर्स, जो गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कल्याण कर्नाटक एक पिछड़ा और बोले तो जो है बैकवर्ड एरिया है इसमें, और एनर्जी मीटर्स नहीं है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज हैं, मटेरियल सप्लाई नहीं है, आईडीसी हाई मार्जिन ऑफ आईडीसी कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम एमडी से और पूरे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर से और सेक्रेटरी ऑफ पावर से और हमारे जिलाधिकारी गुलबर्गा से हम यही पूछ रहे हैं कि हमारी मांग यही है कि एमडी को आप यहाँ से बर्खास्त करें, जल्द से जल्द उखाड़ फेंकें, ऐसा एमडी हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ದಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರಣಿಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ರಮೇಶ್ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು.